Hello friends, it's me Manju Sharma and I'm again here for solving your math problem. So today's topic is coordinate geometry. So aapko pata nahi hai pura topic hamare graph par based hai aur graph ke andar jo hamare coordinates hote hain points hote hain us par based hai. To chaliye aaiye iske andar hum samajhte hain. So guys, iske andar humko pehle to do points ke beech mein distance nikalne ka formula aana chahiye. To chaliye aaiye dekhte hain usko kaise nikalte hain. Agar hamare paas do points hai, ek A aur ek hai B. ये और ग्राफ में हमको इनको कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो है x1 और ये y1 y कोऑर्डिनेट है जो कि और ये इसका x कोऑर्डिनेट है x2 और इसका x y कोऑर्डिनेट है y2. तो इसको हम कैसे निकालें? तो AB का फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम A टू B क्या होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये होता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला गाइस. ओके, तो इसी तरह हमारे दो फॉर्मूला दो और होते हैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला एंड एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला. तो चलिए आइए इनको भी देख लेते हैं. तो गाइस इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला में क्या होता है ए और बी के बीच में एक पॉइंट दे रखा होता है हमको लेट इट बी पी जो होता है x कॉमा y. अब क्या है ना कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा लेट इट बी m1 एंड m2. तो ये जो पॉइंट है इनको m1 रेशियो m2 के अंदर डिवाइड कर रहा है. तो हमको इस इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से निकालना क्या है, हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं. ओके गाइस, तो चलिए आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. x का फॉर्मूला क्या होगा x निकालने का m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये होता है x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला. तो चलिए आइए अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला. y इज इक्वल्स टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये होते हैं दोनों फॉर्मूला x और y निकालने का. तो देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है इसको याद करने का. जैसे कि x2 के साथ क्या होगा m1 होगा, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, नीचे दोनों का सम चल ही रहा है. और इसके अंदर x2 भी देखें y2 आ गया y कोऑर्डिनेट के लिए और x के अंदर x है y के अंदर y आ जाता है. m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 यानी कि 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2. ओके गाइस, सो गाइस एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में क्या होता है पॉइंट p जो है a और b के बीच में नहीं होता है, उनके बाहर होता है और वो a और b को फिर भी m1 रेशियो m2 में ही डिवाइड कर रहा है. यानी कि उनसे जो दूरी है वो m1 रेशियो m2 है. तो यहाँ पे क्या है x और y निकालने के लिए क्या चेंज होता है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला में, याद बहुत आसानी से हो जाएगा. इसके अंदर प्लस की जगह ये जो प्लस साइंस है ना गाइस, और कुछ नहीं करना है आपको, बस ये प्लस साइंस को माइनस करना है और कुछ नहीं करना है. और ये हो गया है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला का फॉर्मूला. ओके गाइज, सो गाइज ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, ये इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से निकला है. यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट पी है एकदम मिड के अंदर है ए और बी के बीच में, यानी कि वन रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है. तो एक्स और वाई कैसे निकालेंगे हम, उसी का अप्लाई करके एक्स इक्वल्स टू एम वन एम टू यानी एम वन क्या है हमारा वन इंटू एक्स टू, एक्स टू क्या है ये रहा एक्स टू प्लस एम टू वो भी वन है और एक्स वन एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो ये क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू. ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला. एक्चुअली इससे क्या है कि हमको थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि एकदम मिड पॉइंट मिड के अंदर जो पॉइंट है उसका फॉर्मूला इजीली हमारे सामने है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, सीधा सीधा फॉर्मूला है. और वाई के लिए ऐसे ही क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, सीधा सीधा फॉर्मूला है गाइस, है कि नहीं गाइस?
तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला के, इंटरनल डिविजन फॉर्मूला से निकाले हमने। ओके गाइज, जब पॉइंट पी एकदम मिड के अंदर हो। ओके गाइज, सो गाइज इस वीडियो में हमने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फॉर्मूलाज देखे। आपको अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं तो इसके जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से याद होने चाहिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो ऐसे ही देखते रहिए और बस यही मिलता है।